सर्व मंगल मांगलेश्वेश्वराद शाद के शरणे त्रवंगे गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः नमो नारायण। 17 अक्टूबर 2012 और बुधवार का दिन है, राज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में मैंने कल सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ, यदि जीवन में संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाना चाहते तो आज के दिन घर में घी का दीपक जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः सुबह और शाम 5-5 माला का जाप करके देखिए, बहुत अद्भुत और बहुत अनुकूल रहेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी और लाभकारी रहेगा। नमः। और बुधवार का जीवन मंत्र ओम ऋज्वे नमः, ओम ऋज्वे नमः, इस मंत्र का जाप करेगा अति कल्याणकारी रहेगा आज के दिन, आज का ये सुंदर जीवन मंत्र है। और बात करते हैं बुधवार के पंचांग, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय और विक्रम संवत 2069 प्रातकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र चंद्रमा तुला राशि का है। और बुधवार का राहुकाल दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक, राहुकाल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नजर नहीं आ रहा है, मर्जी आपकी, सलाह सलाह मेरी लेकिन मर्जी आपकी। अब मैं आपको नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में ले चलता हूँ, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते हैं बुधवार के राशिफल की। मेष राशि, समय सितारों का शुभ संकेत, आज घनिष्ठ मित्रों के मिलन से मन प्रसन्न रहेगा और व्यवसाय में उन्नति के अवसर और धन लाभ होगा, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, मित्रों का सहयोग और मित्रों से मिलन भी होगा, स्वास्थ्य अनुकूल और चित्त प्रसन्न। क्या करें, इच्छित वस्तु की खरीदारी करें, क्या ना करें तो जीवन साथी की उपेक्षा ना करें। और बात करते हैं वृषभ राशि की, वृषभ राशि पारिवारिक संपूर्ण कार्य आज पूरे होंगे और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में आज आप सक्षम रहेंगे, कारोबार की स्थिति अति उत्तम, भाग्य आपके पक्ष में कर ले रहा है, इसलिए सरकारी अफसरों के सहयोग से रुके हुए सारे कार्य बने, धन लाभ होगा और शारीरिक चुस्ती और फुर्ती बनी रहेगी। दिन बहुत शुभ बहुत अनुकूल है वृषभ राशि वालों, आज दिन किया गया पूंजी निवेश आपके लिए शुभ और मंगलकारी रहेगा, आज कोई भी कार्य आप शुरू कर सकते हैं, बस एक बात ध्यान रखिएगा वृषभ राशि वालों, अपनों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, क्या करें कानून के दायरे में रहकर कार्य करें, क्या ना करें व्यर्थ के क्रोध पर काबू करें, व्यर्थ का क्रोध ना करें। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, परिवार से सहयोग की आशा करना आज आपके लिए कल्याणकारी, आज अपने परिवार से सहयोग की आशा आप कर सकते हो, आज पारिवारिक सदस्य आपके साथ रहेंगे, परिवार का पूर्ण प्यार पैसा सब कुछ मिलेगा आपसे, आज धर्म कर्म और आध्यात्मिक और झुकाव, एक बात मैं देख रहा हूं मिथुन राशि वालों, आज कारोबार की स्थिति मनोअनुकूल है, कारोबार में किए गए प्रयास सफल और कारोबार में नए नए टेंडर और नए नए ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, परिस्थिति में सुधार, उत्तम खान पान, आर्थिक धनकोश में वृद्धि और अपनों का पूर्ण सहयोग, परेशानी क्या एक छोटी सी, क्या व्यर्थ का खर्च नहीं हो और यात्रा में अनजान लोगों की मित्रता से थोड़ा सा बचने का प्रयास करिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान आ जाए, बाकी सब कुछ ठीक है। क्या करें कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी से कार्य करें, क्या ना करें अनजान लोगों से मित्रता ना करें। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि वालों, आज कारोबार में अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, बहुत जरूरी है विवादित कार्यों से दूर रहे, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें, आज घर परिवार में समस्याओं का सामना नजर आ रहा है, आज आवास संबंधी परेशानी भी हो सकती है, एक बात मैं देख रहा हूँ आज नेरो माइंडेड की वजह से बड़ी संकीर्ण विचारधारा की वजह से भी आपको परेशानी नजर, क्योंकि आज संकीर्ण विचारधारा आपकी बढ़ेगी, खर्चों की अधिकता, शारीरिक और मानसिक तनाव और सुबह से लेकर शाम तक गोचर ये कह रहा है कि भाई थोड़ी सी सावधानी और छोटा सा उपाय बहुत अच्छा रहेगा, आज श्रद्धानुसार चावल का दान आप गरीब बच्चों को देखिए, गरीब कन्याओं को दे दीजिए या निर्धन व्यक्ति को दान देके देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमन। क्या करें माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्या ना करें स्वजनों के हित की अनदेखी ना करें। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि ग्रह गोचर शुभ सितारों का शुभ, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, आयात और निर्यात संबंधी कार्य में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे, नए ऑर्डर की प्राप्ति, भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग, लेन देन के मसले ठीक, और एक बात और आज पैतृक संपत्ति के बंटवारे भी आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं, भूमि में जमीन जायदाद में पूंजी निवेश करना चाहते हैं सिंह राशि वालों, बहुत अद्भुत समय है,
सरकार से आप और हैं आप राजनीति में, तो आज आपका वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है वो जो मैं कहना चाहता हूँ, सिंह राशि वालों थोड़ी सी आंखें खुली रखो, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। क्या करें, पारिवारिक मेलजोल बढ़ाएं, क्या ना किसी को कटु वचन नहीं बोले ना। मनोज बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, जिस तरह की घर योगायोग है, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और कारोबार ठीक रहेगा, लेन देन के मसले ठीक है, परिवार का सहयोग ठीक है, घूमने फिरने और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। और मैं ये भी देख रहा हूं कि आज कहीं से अकस्मात धन प्राप्ति भी होगी, लेकिन यदि आपको आलस और प्रमाद में घेरा रखा तो हानि भी है। यदि आपने बुजुर्गों की अवहेलना कर दी तो हानि भी, और स्वास्थ्य पे थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव भी नजर आ रहा है। थोड़ा सा बुजुर्गों की अवहेलना ना करें और थोड़ा सा हाथ मजबूत रखें। क्या करें, रुके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, क्या ना करें, कारोबार के क्षेत्र में कोई फेरबदल ना करें। मना बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि आज विचारों में बड़ी प्रफुल्लता रहेगी, बड़े सुगम बड़ी सहज भाव में आपके विचारों को, आपके विचारों की लोग कदर करें। सकारात्मक सोच के साथ जो भी बात आप समाज के सामने रखेंगे उससे बड़ा आप पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मन में शुभ विचारों का उदय है और सबसे बड़ी बात जीवन साथी के साथ बैठने का अवसर मिलेगा और जीवन साथी के विचारों में तालमेल नजर आ रहा है। आज दाम्पत्य संबंध में सुधार और सहयोग बना रहेगा और कार्य क्षमता में वृद्धि और कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव और मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति उत्तम। क्या करें, नवीन कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं, क्या ना करें, वाद विवाद को बढ़ावा ना दे, बस इस बात का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, गोचर की गणनाओं की बात, आज वैवाहिक संबंधों पर विचार करना आवश्यक है। आंख मूंद कर कोर्ट नहीं पहुंच जाना, पहले बात कर लो, जो निर्णय लेने जा रही वो ठीक नहीं है। इस समय मानसिक बेचैनी है और ये रहेगी शाम तक। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय आज चुपचाप सहन कर जाइए, अन्यथा तकलीफ आ जाएगी। आज मानसिक उद्वेग और परेशानी बनी रहेगी। दैनिक कार्य में अवरोध की प्रधानता है, नवीन कार्य में हाथ न डाले हानि संभव है। पारिवारिक उलझने बढ़ सकती है, मानसिक और शारीरिक तनाव बनाव है, यात्रा न करें बेहतर होगा। ये गोचर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो खाली सलाह दे रहा हूं। सावधान, छोटा सा उपाय, ओम हम पवन नाय सुहा, इस मंत्र का बूंदी के लड्डू गरीबों में बांट के देखिए, दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें, आय और व्यय का संतुलन बनाए, क्या ना करें, आर्थिक हानि ना होने दे, और इसके लिए बहुत जरूरी अपने क्रोध पर काबू करें। और नमन बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि, निजी सुख के साधन में आज बढ़ोतरी होगी और निज मन बहुत प्रसन्न रहेगा। उसके पीछे कारण, क्योंकि पारिवारिक सुख है, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग है, आस पड़ोस का वातावरण ठीक है और पैसा भी है। कार्य क्षेत्र में अधिकार और वर्चस्व बढ़ेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे, मन हर्षित होगा, कारोबार की नई दिशा प्राप्त करेंगे और नए व्यवसाय की योजना लाभ प्रसिद्ध होगी। गोचर यही कह रहा है, क्या करें, शिक्षा के क्षेत्र में या किसी गरीब को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, अच्छा रहेगा। क्या ना करें, एक बात ध्यान रखिए, धनराशि वालों, किसी भी हालत में शत्रु को कमजोर ना समझा करें। मन और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि, परिस्थितियां आपके अनुकूल नजर आ रही है मुझे गोचर के हिसाब से। स्वास्थ्य में सुधार है, कारोबार में अनुकूलता है, चित्त प्रसन्न है, कार्य में रुचि है, धन लाभ है, शुभ कार्य को करने का अवसर नजर आ रहा है, घर परिवार में शुभ कार्य को संपन्न, दिन बहुत सुकून और शांति से बीत जाएगा। क्या करें, भाई बंधुओं का सहयोग अवश्य ले और उनको सहयोग अवश्य दे, क्या ना करें, वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट न दे। नमन बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, पारिवारिक और कारोबारी चिंताएं दूर होगी और भाग्य का सितारा आपके पक्ष में करवट ले रहा है। शिक्षा के और कारोबार के क्षेत्र में सफलता, संतान की ओर से शुभ समाचार, और खर्चे है तो आय भी है, कोई टेंशन नहीं, बस व्यर्थ की भागदौड़ से बचे तो बेहतर होगा। क्या करें, धार्मिक और सामाजिक कार्य में रुचि लीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्या ना करें, पूंजी निवेश आज न करें। नमन और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, समय प्रतिकूल है, कार्य व्यवसाय में रुकावट है, कोई व्यवसाय निर्णय में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा कार्य बिगड़ सकता है, परिवार में अवरोध, धन हानि और शारीरिक और मानसिक तनाव बना रहेगा। गोचर थोड़ा सा प्रतिकूल, छोटा सा उपाय, अर्घला स्त्रोत, घर में घी का दीप जलाएं, अर्घला स्त्रोत का, आज कंजकों को भोजन कराना बहुत शुभ रहेगा और माँ भगवती दुर्गा के इस अद्भुत मंत्र का, ओम मैंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः, इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। क्या करें, संयम और विवेक से कार्य करें, क्या ना करें, गैर कानूनी कार्य ना करें। नमन आ रहे हैं, ये तो 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्र पर आधारित था। और अब मैं आपको उपाय की बात, कठिन परिश्रम कड़ी मेहनत के बावजूद भी मन अनुकूल प्रमोशन नहीं हो रहा है, पदोन्नति नहीं, भगवान सूर्य की आराधना अति महत्वपूर्ण है, भगवान सूर्य की आराधना करें। इसके लिए कुष्ठ रोगियों को गेहूं का दान दीजिए, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। और यह आराधना सूर्य को, सूर्य की आराधना सोमवार या रविवार कभी भी आप शुरू कर सकते हैं।
जितने दिन जितने वर्ष आपको नौकरी कर चुके हो चुके उतनी पीली कौड़ी लीजिए, पीले कपड़े में कपड़े बैठ जाइए और उसको अपने सामने रख दीजिए, घी का दीपक जलाइए, आदत है हिंदुस्तों के पांच पाठ करें और उस कौड़ी को अपने से उसार कर पानी में प्रवाह करके देखिए, ये आपको पदोन्नति में मौका जरूर मिलेगा। नमन और बात करते हैं आज के नुस्खों की। चक्कर आ रहे हैं, शहद और शक्कर में तुलसी के पत्तों के रस को मिलाकर चाटने से चक्कर तुरंत बंद हो जाते हैं। 20 ग्राम घी में 10 ग्राम सौंठ पीसकर गर्म कर लें, 20 ग्राम शक्कर मिला लें और 15 दिन तक नियमित से कमजोरी से चक्कर आ रहे हैं तुरंत समाप्त। ये छोटे-छोटे मेरे नुस्खे, छोटे-छोटे मेरे उपाय, गुरु मंत्र टोटके, राशिफल सब आपको www.shanidam.in पर मिलेगा। कहना चाहता हूं क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्मकुंडली बना के भेजूं? ऐसा चाहते हैं क्योंकि इतनी मेल है। आप चिंता मत करिए, आपकी हर दर्द की दवा है उस जन्मकुंडली में, उपाय हैं, पूरा वर्षफल है, पूरा जनरल सारे प्रोडक्शन है, कौन सा रत्न धारण करें, क्या कौन सा धारण नहीं करें, सब कुछ रहेगा उसमें। लेकिन कहीं ही सोचे कि मेरा इससे, आप लोगों के कहने पर मैंने मेहनत करी कि दाती महाराज सारे लोग हम आपके द्वारा, तो क्योंकि मैं इस लाइन में जाना नहीं चाहता, मैं ठीक आपकी जन्मकुंडली भेज दूंगा और ऐसा कहीं हुआ तो मैं देखकर उसमें उपाय भी लिख के भेज दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपका अपना हूँ, मुझे दुकानदारी नहीं करनी। आप अपनी आप जन्मकुंडली चाहते, आप चाहते साहित्य आपको मिले, www.shanidam.in पर सारा विवरण, नहीं तो आप सीधे 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक बात कहना चाहते जो बहुत ज़रूरी है, मैं पूरे, मेरा बहुत मन है जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, फरीदकोट, हाँ अम्बाला, सिरसा, गुड़गांव, यहाँ उन सब लोगों से मिलना जो वास्तव में मेरे से मिलना चाहते हैं। यदि आप लोग वास्तव में मेरे से मिलना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपके यहाँ के प्रोग्राम करूँ, आपसे अध्यात्म चाहते हो, क्योंकि बहुत तनाव है वास्तव में, जानकार तो अध्यात्म भीतर की पगडंडियों पर जानना, यदि वास्तव में धर्म कर्म और नीति ज्ञान भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहते हो तो लुधियाना वालों, जालंधर वालों, अमृतसर वालों संपर्क करो मेरे से, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के यहाँ अच्छा प्रोग्राम करना चाहता हूँ। और इसके लिए आपको संपर्क करना होगा 9414124600 या 9910692000 पर संपर्क करके जानकारी दे देंगे, मेरी से बात नहीं होगी, आपको सारा बता देंगे। राष्ट्रवासियों मन है बहुत कि अब मैं ज्ञान का, क्योंकि बहुत चलेगी थोड़ी रही और थोड़ी को मैं और इस राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। सैकड़ों बच्चे हैं जिनके साथ जीता हूँ, हजारों गायें हैं मेरे पास में, न जाने कितनी योजनाएं जो शनिधाम ट्रस्ट आप लोगों के सहयोग से चलाते हैं, कभी आपसे धन नहीं मांगा और नहीं आशा करता हूं कि मुझे मांगना पड़े, क्योंकि मैंने देखा है मेरे बिना मांगे मेरे वहां गेहूं पहुंच जाते, मेरे बिना मांगे मेरे लिए कपड़े पहुंच जाते। अभी मैं अस्पताल बनाऊं, 750 बेड का अस्पताल बना रहा हूं, उन लोगों के लिए सहयोग कर सकूं जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं, मेरे बिना मांगे लोग सीमेंट भेज देते, लोग ईंटें भेज देते, लोग सरिया भेज देते, मैं तो बहुत आभारी हूं इस राष्ट्र का बहुत। और मत दीजिए धन, मत दीजिए आर्टिकल में सपोर्ट करिए, किसी भी संत महात्मा को आर्टिकल में सपोर्ट समान दीजिए, धन मत दीजिए, धन से सुविधा आएगी और सुविधा आएगी तो साधना से विमुख हो जाएगा साधक, इसलिए आप जो सहयोग करें ये तरीका बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर तरीका, मैं आपका बहुत आभारी हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे पर विश्वास करते हैं, बस कोशिश करता हूं और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करते हो तो फिर सफलता नहीं मिलती, निराश मत होइए, वरना उस व्यक्ति को याद कर लीजिए जिसने 21 वर्ष में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा और हार गया, 21वें वर्ष में, अपनी जन्म के 21वें वर्ष में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा और हार गया, 22वें वर्ष में शादी की और असफल रहा, और 24वें वर्ष में व्यवसाय किया तो फिर असफल रहा, 27 वर्ष में पत्नी से तलाक दे दिया और 32वें वर्ष में सांसद पद के लिए खड़ा हुआ और फिर हार गया, 37वें वर्ष में कांग्रेस की सीनेट के लिए खड़ा हुआ फिर हार गया, 42वें वर्ष में पुनः सांसद पद के लिए खड़ा हुआ और फिर हार गया, लेकिन अंत में उसको जीत मिली और वो राष्ट्र का राष्ट्रपति बना रहे हैं अब्राहम लिंकन, अमेरिका का राष्ट्र। हिम्मत मत हारिए, नए सिरा से यात्रा शुरू करिए, हारे नहीं हिम्मत विसारिए ना, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, कामयाबी जरूर मिलेगी, विश्वास रखिए। मैं भी मेहनत करता हूँ इस राष्ट्र के लिए, रात दिन दौड़ता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा सिद्ध साधक सन्यासी नहीं हूँ, मनुष्य हूँ, मानवतर गुण है, काम करते भूल से भी भूल हो जाए, मनी तो है साथ में, कोशिश करते हैं इसको पकड़ रखे, लेकिन कहीं गलती हो जाए तो मैं तो क्षमा मांगता हूँ, मैं दावे नहीं करता हूँ, आपका आपका भाई हूँ, आपका
आपके राष्ट्र का नागरिक हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, और इस प्रयास में कहीं भी भूल हो जाए तो क्षमा करना, और कोई बात अच्छी लगते जीवन में अपना आपका कल्याण होगा। आज का सुझाव, बुधवार का दिन, आज के दिन ये उपाय करने से आपका जीवन खुशी से भर जाएगा। 800 ग्राम साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान दे दीजिए, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। नमन, आज इतने, कल के लिए। वाणी में कोई दोष है, वाणी लड़खड़ाती है या बोलने में डर लगता है या बोल नहीं पाते, अपनी बात रख नहीं पाते, वाणी में दोष है तो क्या उपाय करें, और पथरी के लिए नुस्खा क्या, और गुरुवार का अद्भुत जीवन मंत्र, नुस्खा, सुझाव और दाती गुरु मंत्र की चर्चा करूंगा, लेकिन आज इतना ही। नमन।